मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना का आज शुभारंभ किया। जिससे अनुरोध करता हूँ कि वो कृपया वीडियो भौगोलिक संरचना के मद्देनजर ग्रामीणों को अपनी माटी से जोड़कर अपने आने वाले कल को स्वर्णिम बनाने की भी प्रेरणा मिले। अति गरीब व्यक्तियों के लिए आय के स्थायी स्रोतों का सृजन किया जा सकता है। जल बहकर राज्य से बाहर चला जाता है। यह फील्ड मन के माध्यम से एक हेक्टेयर ताड़ जमीनों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था कराना, प्रखंड एवं जिला स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करना, 1 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना। सरकार ने कुछ नए कार्य योजना तैयार की है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 100-100 फलदार पेड़ का पट्टा भी दिया जाएगा और ये पट्टा जीएम लैंड पर भी हो सकता है, जमीनों पर हो सकता है, व्यक्तिगत जमीन पर भी हो सकता है और सरकारी जमीन पर भी लगे पेड़ों के लिए क्या उनका पट्टा दिया जा सकता है। आज हमारे बड़े बड़े सड़कें राज्यों में बने हैं, बन रहे हैं, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में। और आपको पता है कि इन सड़कों के लेफ्ट और राइट जो जमीनें होती हैं उसमें कुछ हिस्से सड़क के ही अंतर्गत उन जमीनों को रखा जाता है। उन जमीनों में भी पेड़ लगाकर उन पेड़ का पट्टा गरीब परिवारों को दिया जाएगा और उस पेड़ की रखरखाव करने के लिए भी उनको जिम्मा देते हुए उनको रोजगार दिया जाएगा। जब ये वृक्ष बड़े हो जाएंगे तो जो एक आकलन है तीन साल बीतते बीतते उस परिवार को 50,000 रुपए की वार्षिक आमदनी भी प्रारंभ हो जाएगी। इसके तहत हम लोगों ने पूरे राज्य में पंचायत स्तरों पर खेल के मैदान बनाने का निर्णय लिया है और आपको पता है इस राज्य में खेल की असीम संभावनाएं हैं। आज एक सीमित संसाधन में हमारे इस राज्य के कई छात्र छात्राएं देश दुनिया में अपना नाम कमा चुकी है, लेकिन दुर्भाग्यवश राज अलग होने के बाद भी इन खिलाड़ियों के प्रति बहुत ज़्यादा विचार नहीं हो पाया। और इस खेल के मैदान के पीछे भी एक लंबी हमारी सोच है। ये सिर्फ गांव में रोजगार देने ही तक हम सीमित इस योजना को भी नहीं रख रहे हैं। उसके पीछे आप देखेंगे तो इस कई कड़ियां आपको नजर आएंगी जो खेल के दिशा में ये राज आने वाला समय में पंजाब हरियाणा की तरह बल्कि उससे भी आगे जाने की क्षमता रखता है। तीसरी योजना है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। योजनाएं तो बहुत चलती हैं, चेक डैम बनता है वगैरह वगैरह, बहुत सारे डैम वगैरह बने, लेकिन आज आप देखेंगे कि आज इतने वर्षों से
डैम बन रहे हैं, तालाबें खोदी जा रही हैं, लेकिन इसका लाभ आज के दिन में भी राज्य सूखाग्रस्त से त्रस्त है। जैसे कि हमारे पदाधिकारियों ने आपको बताया कि हम लोगों को एक ही फसल पर निर्भर रहना पड़ता है। ये नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के पीछे भी हमने एक लंबी सोच रखी है। आज हम लोग का निश्चित रूप से जल संरक्षण की क्षमता लगभग 5 लाख करोड़ लीटर में वृद्धि कराने की है और इससे निश्चित रूप से राज्य के अंदर जो भूमिगत जल है जिसकी लगातार उसका उपयोग कर बोरिंग के माध्यम से उसमें कमी आती है, उन सबों में कमी आएगी, तालाबें नहीं सूखेंगी और जो बंजर भूमि है, हजारों एकड़ बंजर भूमि हमारे राज्य में है, उन सभी बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने का हम लोग का लक्ष्य है।